तूने परिक्रमा नहीं की तो फिर वो कुड़ी कौन थी? ऐसे कौन आकर तेरी जगह ले सकता है? हाँ, परी की जगह और कौन ले सकता है? एक ही तो है, I'm sure ये उसी का काम है। हाँ तो कौन है वो? संजू के साथ फेरे ले रही थी वो, परी नहीं थी। चंद्रिका, जब तक पूरी तरह यकीन ना होना किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। सिर्फ शक की बुनियाद पे किसी का नाम लेके किसी को बदनाम मत करो। शायद आप लोगों ने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मेरे कहने का मतलब ये था कि वो सूट में तो मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रही थी, क्योंकि मैं ऐसे कपड़े कभी पहनती नहीं ना, तभी तो गिर गई मैं। ती प्लीज यार, क्या लॉजिक हुआ ये? मैं सच बोल रही हूँ बबली। अब मैं कैसे बताऊं कि वो लड़की कौन हो सकती है? नीति यार, तू कैसे गिरी हुई हरकतों पे उतर आई है? क्यों कर रही है तू ऐसा? अरे चुप क्यों है, क्या सोच रही है, बोल ना। मैं क्या बोलूं दी, जो लगा वो बोल दिया, और वैसे भी मैं सूट के वजह से गिरी होंगी, वरना आपने कभी मुझे देखा ऐसे ही चलते फिरते गिरते हुए? हाँ वैसे परी की बात गलत नहीं है। ठीक है, आप लोग एक ही बात को लेके क्यों बैठ गए हो? एक तो मैं यहाँ खड़े खड़े थक गया हूँ, पंडित जी मुझे हिलने नहीं दे रहे। चलो आप दो मिनट के लिए आराम से चल लो फिर लो, वैसे भी आपको ये परिक्रमा दोबारा से करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी माता जी परी को बीच में से लेकर चली गई थी। इसका मतलब मम्मी जी को पता चल गया है कि ये सब नीति ने किया, तो वो उस पर गुस्सा होंगी। मुझे जाके नीति की हेल्प करनी चाहिए, उसको बोलती हूँ कि वो यहाँ से चली जाए। अब पंडित जी, ओए अब हम किसकी वेट कर रहे हैं, शुरू कीजिए ना पूजा। हाँ जी पंडित जी, अब ऐसे टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा, चलिए अब जल्दी से शुरू कीजिए। वो मैं चेंजिंग रूम में कुछ भूल गई हूँ, मैं बस अभी आई। हे भगवान, कभी क्या कभी क्या, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये परी के आवाज से ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? बट क्या नीति, क्या करने जा रही हो? थे संजू सिर्फ मेरा है, मैं परी को उसे जीतने नहीं दूंगी किसी भी कीमत पर। नहीं, उसे अभी के अभी वहां से रवाना करती हूँ। उसका अब संजू पर कोई हक नहीं है। तेरा भी उस पर अब कोई हक नहीं है। उते जाएगी ना तो बेइज्जती के अलावा तैनू कुछ नहीं मिलने वाला। बेबे समझाओ इसनू, आप ही की बात सुनती है ना ये। मैं जाती हूँ पूजा में, कहीं उन लोगों को शक ना हो जाए। हाँ हाँ गुरिंदर, तू जा, वैसे भी मम्मी तुझे ढूंढ रही है। ये रचाई जी ना मेरी जान लेके छोड़ेगी, क्या करूँ मैं? यहाँ आने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों, मुझे परमिशन चाहिए आपकी या फिर परी की? ये कैसी बातें कर रही है? तुझे पता है ना मुझे उल्टा जवाब नहीं पसंद। अगर यहाँ आने से पहले मुझे बता देती तो मैं तेरी हेल्प कर देती। ओह, हेल्प कर देते आप? हेल्प कर देते तो कुछ हो जाता? नहीं ना बेबे, आप हेल्प करने के बजाय ना मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ा देती हो, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प मत कीजिए, खुद अपनी हेल्प कर सकती हूँ मैं। तू पीकर आई है क्या, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? जब इंसान के हाथ से सब कुछ छूटता हुआ दिखाई देता है ना, उसे तो ऐसी ही बहकी बहकी बातें होती हैं। प्लीज जाइए यहाँ से आप। नहीं जाऊंगी, अभी तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ इस वक्त तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है नीति। तू समझने की कोशिश करना, देख तू अगर ऐसा रवैया रखेगी ना तो कोई भी तेरी मदद नहीं करेगा और मैं भी तेरी मदद नहीं कर पाऊंगी। इसलिए ठंड रख और एक बार प्यार से बोल दे बेबे कि मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरी मदद कीजिए। देख बेबे क्या से क्या कर देती है तेरे लिए। मुझे अब किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं,
मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का बुरा टाइम शुरू होता है ना, तो चाहकर भी कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। और नीति का बुरा वक्त शुरू हो गया है। दी, हाँ, आपको कुछ तो पता है ना? क्या पता है? वही जो किसी को नहीं पता। साफ साफ बोल, क्या कहना चाहती है? दी, जब परिधि ने बोला कि वो परिक्रमा में जीजू के साथ नहीं थी, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि उन्होंने सही बोला? क्योंकि वो परी नहीं थी। फिर कौन थी? और कौन हो सकता है नीति के अलावा? दी, आप इस बात को लेकर इतना शोर कैसे हो सकते हो? क्योंकि बबली, जब मैं परी को चेंजिंग रूम में लेकर गई थी ना, तो हमारे पीछे एक लड़की खड़ी थी और उसने बिल्कुल वही सूट पहना था जो संजू के साथ परिक्रमा लेते हुए लड़की ने पहना था। अब सेम सूट दो लड़कियों के पास तो नहीं हो सकता ना। और दूसरी बात, ऐसे कैसे कोई भी लड़की आएगी और किसी के साथ भी रस्म करने लग जाएगी? कुछ तो गड़बड़ है ना। इसीलिए बबली, मुझे लगता नहीं बल्कि मैं श्योर हूँ कि वो कोई और नहीं, नीति ही थी। नीति को ना अब ये सहन नहीं हो रहा कि संजू परी शादी कर रहे हैं, और नीति अब किसी भी हाल में ना संजू को बस वापस पाना चाहती है। चंद्रिका, जो शक का कीड़ा तुम्हारे दिमाग में है ना, उसको बबली के दिमाग में मत डालो। शक नहीं, मैं पूरे यकीन से बोल रही हूँ अमित, कि वो कोई और नहीं, नीति ही थी। कैसे कह सकती हो नीति थी? क्योंकि परी के पास वैसा सूट है ही नहीं। पर अगर परी के पास वैसा सूट हो तो? मुझे ना तुमसे यहाँ खड़े रहकर बहस नहीं करनी। अपने दिल पे ना हाथ रख के बोलो कि तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है। वैसे वीर जी दी सही बोल रही हैं। मतलब नीति दी पहले भी बहुत कुछ कर चुकी हैं, तो वो ये भी तो कर ही सकती है ना। हो सकता है कि नीति दी की वजह से दी परिक्रमा में ना पहुँच पाई हो, बट अगर दी वहाँ थी नहीं तो कहाँ थी दी? देखो, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों क्या सोच रहे हो। तुम दोनों को सिर्फ लग रहा है कि वो लड़की नीति थी, लेकिन तुम दोनों में से किसी ने नीति को देखा नहीं। इसे ना अंधेरे पे तीर चलाना कहते हैं, और अंधेरे में चलाया हुआ तीर अक्सर निशाने पे नहीं लगता। देखो, तुम लोग इन बेकार की बातों पे ध्यान देना बंद करो। यार, रस्म चल रही है, वो इम्पोर्टेंट है। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? करो तो क्या करो? इसने तो अपनी जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली है, लेकिन मैं तो माँ हूँ, ऐसे कैसे खेलने दे सकती हूँ उसे अपनी जिंदगी से? बस एक बार फोन उठा ले मेरा तो समझाऊंगी उसे मैं फिर से। वीर जी, आप गाड़ी पर ध्यान दो। ये बात पहले क्यों नहीं सूझी मुझे? नीति जैसी बेवकूफ लड़की का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा। इतनी अच्छे से जानती है वो मुझे कि मैंने कितना कुछ उसके लिए किया है, हर परेशानी से उसे बचाया है, हर मुसीबत से उसे निकाला है, फिर भी पता नहीं क्या क्या सुनाकर चली गई मेरे को। दिमाग खराब। टंड्रक सुलोचना, टंड्रक, लड़की बहुत परेशान है, बहुत मुसीबत में है, इसलिए गुस्सा करने से भी कोई मतलब नहीं है। चुप, जाने दे, बाद में देखेंगे। इसका फोन है। सुखविंदर? हाँ बोल सुखविंदर, कैसे फोन किया? बेबे, माफ करना मुझे, लेकिन मैं जानती हूँ आप वहाँ शादी की रस्मों में बिजी होगी, लेकिन बस आप मुझे इतना बता दो कि नीति है क्या उधर? देखिए, आप तो सब जानती है ना वो कितनी परेशान है। मुझे डर है कि कहीं वो गुस्से में कुछ ऐसा ना कर दे। मैं सॉरी बोलती हूँ आपको, मैं माफी चाहती हूँ बेबे, लेकिन। अरे पागली, क्या सॉरी सॉरी लगा के रखा हुआ है? नीति को बेटी माना है मैंने, मेरी खुद की बेटी है वो, इसलिए उसकी टेंशन बिल्कुल मत ले। और हाँ, नीति इधर ही है। उसने संजू के साथ ना घड़ोली की रस्म में परिक्रमा करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाई कामयाब। ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं। मंजिल तक पहुँचने के लिए ना कई कई बार हमें रास्ते चेंज भी करने पड़ते हैं, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना उसके साथ और हमेशा रहूंगी मरते दम तक। लेकिन बेबे, आप तो जानते हो कि बाजवा परिवार के लोग उसे पसंद नहीं करते। अब पसंद करें या ना करें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक बात तेरे को बता दूं, ये लोग हद पार मतलबी हैं। हर कोई, पूरा खानदान मतलबी है, सिर्फ अपने ही खुशियों के, अपने ही घर के, अपने ही लोगों के बारे में सोचते हैं।
इस बार इन्हें वो करना पड़ेगा जो नीति चाहती है, ना कि वो जो ये चाहते हैं। और देख कि अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता ना तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है, चाहे फिर प्यार से चाहे फिर जबरदस्ती। इनको इस बार नीति को अपनाना ही होगा और परी को इस घर से बाहर निकालना ही होगा। ये सुलोचना का वादा है तुझसे। आई नो, तुम्हें सब पता चल गया। ओ, यू नो, ठीक है, मुझे भी घुमा फिरा के बात करना नहीं आता है। तुम ये सब क्यों कर रही हो नीति? पहले मेरे सवाल का जवाब दोगे, सच बोलोगे जो भी पूछूंगी? सच बताने की बारी तुम्हारी है। सच हो, सच बताओ, तुम्हें एक बार भी ऐसा फील नहीं होता कि हमारे बीच की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट हो जाना चाहिए? इन सब बातों का क्या फायदा है नीति? संजू, तुम जानते हो हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था जो। ठीक है, तुम्हें नहीं लगता हमें अपनी ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखकर एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए? सोचना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। याद है तुम्हें, तुम मुझे मेरे घर लेने आए थे। सब याद है मुझे नीति। तुम्हें याद है तुम्हारी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, बहन से बढ़कर तुम्हारी जान परी। तुमने सोचा है कि उसे कैसा लगता होगा तुम्हारी इन हरकतों के बाद? फिर से परी, मैं यहाँ हमारे बीच की बात कर रही हूँ और तुम्हें अभी भी परी की फिक्र है? जो पूछा उसका जवाब दो। तुम इतने रूठ क्यों हो रहे हो? तुम तो ऐसे नहीं थे। मेरा संजू हमेशा मुझसे प्यार से बात। जो पूछा है नीति उसका जवाब दो, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा मैं। ट्रस्ट मी, भरोसा रखो। भरोसा रखो? इतना भरोसा तो कर ही सकती हो ना कि नहीं? तो बताओ क्या मायने रखती है तुम्हारे लिए परी? जान थी मेरी परी मेरे लिए। जितना वो अपने बारे में नहीं सोचती थी, मैं उसके लिए सोचा करती थी। उसके भाऊ जी, उसके वीर जी भी इतना प्रोटेक्टिव नहीं थे उसके लिए जितना मैं थी। सबसे अच्छी दोस्त थी मेरी, सबसे ज्यादा प्यार करती थी मैं अपनी परी से। रब, अब क्या फील करती हो परी के लिए? मैं तेरे को थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। सुन, बोलना जो बोलना चाहती है। भाई बात तो बचेगी नहीं तेरे पेट में, तो संजू और पम्मी को उगलने से अच्छा है तू मेरे सामने ही उगल दे। हाँ भाई, घर में महाभारत करवाने से अच्छा है तू मुझे ही कह दे जो साफ साफ कहना है। कहना तो है बेबी, लेकिन कहना चाहती नहीं। आप ये सब जो कर रही है ना, ये आपके नजरिए से ठीक हो सकता है, लेकिन खैर छोड़िए। सुन, एक मिनट, तू मुझे उपदेश दे रही है? तू बड़ा बनने की कोशिश कर रही है मेरे सामने? हाँ? देख, जैसे तू घर वालों को बेवकूफ बनाती है ना, मुझे वैसे बेवकूफ नहीं बना सकती है। इसलिए साफ साफ बोल दे जो बोलना चाहती है। मुझे बोल दे। हाँ नहीं, बोल। हर रिश्ते की ना अपनी मर्यादा होती है बेबे, और मैं उस मर्यादा को पार नहीं करना चाहती। अपनी हद नहीं पार कर सकती मैं। फील तो तब होगा ना जब मैं उसके बारे में कुछ सोचूंगी। मैं उसके बारे में सोचना तक नहीं चाहती, क्योंकि उसने मेरी पीठ छुरा मारा है संजू। उसने हमारी दोस्ती के रिश्ते को खराब कर दिया, हर रिश्ता तोड़ दिया उसने।
खत्म कर दिया है और ये रिश्ता जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकता, चाहे आप कोई कुछ भी कर ले। जैसा प्यार तुम करती थी ना परी से, वैसा ही प्यार मैं तुमसे करता था। बहुत प्रोटेक्टिव था तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था, इनफैक्ट किया भी। सारी दुनिया से, अपने परिवार से लड़ा मैं तुम्हारे लिए, आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करना चाहता था। लेकिन अब ऐसा कुछ फील नहीं करता हूँ मैं नीति। हमारे बीच में जो प्यार था ना, उसको तुम्हारे शक ने खत्म किया है, और ये प्यार दोबारा जिंदा नहीं हो सकता है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, जैसे तुम्हारा और परी का दोस्ती का रिश्ता खत्म हो गया ना, वैसे मेरा और तुम्हारा प्यार का रिश्ता खत्म हो चुका है नीति। और मरे हुए रिश्ते कभी जिंदा नहीं होते। और हाँ, तुमने मेरे साथ परिक्रमा करके जो गिरी हरकत की है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और अच्छा हुआ कि तुम गिर गई, क्योंकि भगवान जी भी यही चाहते थे कि तुम अपनी गलती की सजा उसी टाइम भुगतो। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो नहीं करता। संजू प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज। क्या ना बोलो? ये जो तुम अभी बोल रहे हो, प्लीज मत बोलो, प्लीज। मैं मर जाऊंगी संजू। इसकी सच्चाई यही है, अब मेरे दिल में, मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। वो जगह हमेशा हमेशा के लिए परी के हो चुकी। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। ओ, तो धमकी दे रही है तू मुझे? डरा रही है क्या? मैं कौन होती हूँ आपको डराने वाली? और किस बात की धमकी दूंगी मैं? यही कि मैं सुखविंदर से बात कर रही हूँ, यही कि नीति भी यहाँ आसपास है। देख, तू चाहे कितना भी कोशिश कर ले, पर मैं नीति के साथ कभी नहीं छोड़ने वाली। आपकी मर्जी बेबे, लेकिन कुछ भी करने से पहले ना ये बात जरूर सोच लेना कि सही क्या है और गलत क्या है। ये छल कपट करके ना चीजें कभी ठीक नहीं हो सकती, ये याद रखना। याद रखूंगी, बहुत अच्छे से याद रखूंगी। छल कपट करके सिर्फ एक चीज हो सकती है, दूसरे का पति अपना पति बनाया जा सकता है। देख, जैसे तू छल कपट करती है ना, मैं भी बिल्कुल वैसे ही छल कपट करके चीजों को हासिल करती हूँ। छल कपट कीजिए बेबे, आराम से कीजिए, लेकिन मंदिर में नहीं। और आप जो कुछ भी कर रही है ना, वो गलत है। और ये सब करके आप किसी और को नहीं, अपने ही परिवार वालों को धोखा दे रही है। और जिस दिन आपका सच सबके सामने आ गया ना, तो कहीं की नहीं रहेंगी आप बेबे। सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा, ये घर परिवार रिश्ते नाते सब कुछ। ओ ओ ओ, क्या बात है! तो अभी उपदेश देते देते तू धमकी देने पर उतर आई है और मुझे सिखा रही है गलत क्या है और सही क्या है? अगर आपको धमकी लगती है ना, तो धमकी ही समझ लीजिए। रब से डरिए बेबे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुराई का फल हमेशा बुरा मिलता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर भगवान जी ने हमें सही और गलत की समझ दी है ना, तो कोशिश करके गलत कामों से दूर रहिए, और कम से कम मंदिर में तो गलत बातें सोचनी भी नहीं चाहिए। तू जानती है ना तो किससे बात कर रही है? जानती है या समझाना पड़ेगा तुझे? बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए तो कहा कि मैं अपनी मर्यादा पार नहीं करना चाहती, क्योंकि रिश्तों में मर्यादा होती है जिसे तोड़ने से ना बचना चाहिए, वरना रिश्तों की परिभाषा बदल जाती है, छोटे भी बड़ों को सही और गलत बताने लगते हैं। आज घर में तोरण गिरी थी ना परी, तो कुछ अशुभ होने वाला है, और ये अशुभ क्या होगा ये मैं तुझे बताऊंगी लड़की। रबा, रबा, नीति, आ
क्या देख रही है? और तुझे तो खुश हो जाना चाहिए ना। खुश होना क्या चाहिए, तो खुश है, मैं जानती हूँ। मन में लड्डू फूट रहे हैं ना तेरे, जो तू चाहती थी वो हो गया, मिल गया तुझे सब कुछ। जो तू खड़ी है ना आज, मेरी जगह हुआ करती थी परी, तूने मुझसे मेरी जगह तक छीन ली, सब कुछ छीन लिया तूने मुझसे, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरा कम से कम तेरे पास मैं तो थी, कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी दोस्त नहीं, मेरा पति।